डियर फ्रेंड्स प्लेस ऑफ प्रपोजिशन के लिहाज से नेक्स्ट रूल हम ये देख रहे हैं कि जब रेलेटिव प्रोनाउन उमिट किया जाए उस सूरत में रेलेटिव प्रोनाउन जो मर्जी उमिट किया जाए उस सूरत में अगर उससे पहले कोई प्रेपोजिशन आ रही है तो रेलेटिव प्रोनाउन की उमेशन वाले पॉइंट से पहले हम प्रपोजिशन नहीं लिखेंगे हम प्रपोजिशन लिखेंगे रेलेटिव क्लॉज के एंड पर Have a look at an example. Sam is the person I can rely on. अब आप देखिए preposition end of the sentence पे है और ये relative clause है रेलेटिव क्लॉज के एंड पर प्रपोजिशन है What इज द रीज़न उसकी रीज़न ये है कि हमने सैम इज द पर्सन के बाद में जो relative प्रोनाउन था whom, उसको omit कर दिया है? वो यहां पर नहीं लिखा ग्रामर हमें अलाउ करती है ठीक हो गया उसको उमेट किया है इसलिए हम आए से पहले प्रेपोजिशन नहीं लिख सकते यानी रूल क्या बना? कि जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन आप उमेट कर रहे हैं और उससे पहले कोई प्रेपोजिशन आ रही है तो उसको ओमिशन के पॉइंट से पहले नहीं लिखेंगे बल्कि रिलेटिव क्लॉज के आखिर में ले जाएंगे सेंटेंस ओरिजिनली था क्या टॉम इज द पर्सन होम आई कैन रिलाय अब ये ऑन जो है यह होम से पहले आ रहा है टॉम इज द पर्सन ऑन होम आई कैन रिलाय तो हम ये इस तरह से नहीं लिखेंगे होम को हमने उमिट किया हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन जब भी उमिट होगा उससे पहले आने वाली जो प्रेपोजिशन है वो एंड ऑफ द सेंटेंस पे चली जाएगी सो so, यह है preposition of uh, place of preposition ka next rule see you in the next video